हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कीर्ति गोयल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लेके आई हूँ किनुआ की रेसिपी। ये किनुआ मिक्स वेजिटेबल रेसिपी है, वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती है। आप इसको अगर रात को खाते हो, रात के खाने में यूज़ करते हो, तो आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये, बहुत ही अच्छी बनती है खाने में। आप एक बार अगर खाएंगे तो आप रोज़ रात के खाने में इसी को खाएंगे। इसको अगर आप रात को खाते हो तो इसके साथ दही का इस्तेमाल करिए, बहुत ही टेस्टी होता है ये। वैसे आप दही नहीं खाते हैं रात को, लेकिन क्या होता है जब किनुआ खा रहे होते हैं तो हमें इसको थोड़ा सा दही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, किनुआ को अच्छे से वॉश कर लेना है आपको। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच किनुआ लिया हुआ है, ये मैंने भिगो के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने लिया 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा टमाटर। यहाँ पे मैंने लिया हाफ बॉल मटर छिला हुआ है। यहाँ पे यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी शिमला मिर्च ली है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजर ली है, बारीक कटी हुई है। ये यहाँ पर बीन्स लिए मैंने बारीक कट करके हाफ बाउल। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, किनुआ को बहुत शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। इसको हम पहले कुकर में बॉइल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने किनुआ इसमें करना है और किनुआ में हमने 4 से 5 सीटी लगानी है, थोड़ा सा ही पानी देके। पर आप प्लीज़ इसको याद रखिए, इसको अच्छे से वॉश करके लीजिए, पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन लग जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है, इसका जो पाउडर होता है वो निकल जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें लेड लगा देते हैं और इसमें 4 से 5 सीटी आने देते हैं, ये अच्छे से पक जाएगा। जब तक हम क्या करते हैं, हम एक तरफ गैस पर यहाँ पर कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई में वेजिटेबल पकाएंगे। हम इसमें अब घी ऐड करेंगे, देसी घी ऐड करना है फ्रेंड्स। सरसों के तेल में मैंने अभी नहीं ट्राई करा है इसको, हमें इसमें 2 चम्मच देसी घी देना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़ा घी लगा है इसमें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 पिंच हींग का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं इसमें 1 पिंच हींग ऐड करूँगी। हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हींग ऐड कर रही हूँ मैं। हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है, घी हींग बनने लगा है। हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अदरक भी ऐड करा है। अदरक ऐड करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सोचा क्यों ना अदरक ऐड कर दी जाए। सर्दियों का सीजन है, अदरक का टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आता है। देखिए फ्रेंड्स, अदरक हमारा बन रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको, इसका फ्लेवर ऐसे ही अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वो आपके टेस्ट के ऊपर है, आप हरी मिर्ची ऐड करना चाहते हैं हरी मिर्ची ऐड करिए। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ली है लाल मिर्च, जो मैंने आप देख सकते हैं कि हाफ स्पून लिए। और मैंने हाफ स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी ली है। 1 स्पून मैंने यहाँ पे धनिया लिया है सूखा, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने कम घी में मैंने बनाया है किनुआ, बिल्कुल भी हेल्थ को नुकसान नहीं देगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि मसाले जले ना। एक तो ये कम घी तेल का होता है, इस वजह से भी नुकसान नहीं देता, और किनुआ होता भी बहुत अच्छा है। जड़ी बूटियों के तौर पे भी इस्तेमाल करा जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर्स भी इसको काफ़ी हद तक कुछ बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप किनुआ की सर्च करोगे ना, तो किनुआ की सर्च में आपको पता चलेगा किनुआ कितना हेल्पफुल चीज़ है बॉडी के लिए हमारे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो गाजर रख रखी है उसका ऐड करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हमने गाजर इसमें बारीक कटी थी वो हमने ऐड कर दी है। मसालों में अच्छे से ये मिलेगी, देखो आप। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा मटर, मटर में मैंने हरी मिर्ची रख दी है कट करके, हरी मिर्ची आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पानी थोड़ा सा हमें इसमें बढ़ाना है, पानी ना जलता रहेगा इसमें, पानी थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे इसमें बीन्स का इस्तेमाल किया है, बीन्स लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसमें टमाटर मिक्स करेंगे। टमाटर जो हमने लिया हुआ है ये भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से, ये मिक्स करेंगे इसको बढ़िया से। देखिए कितनी कलरफुल सब्जी लग रही है हमारी, है कितने अच्छे कलर लग रहे हैं इसमें देखने में। बहुत ही अच्छी सब्जी है ये, मिक्स कर दी है मैंने अच्छे से इसको। हम इसमें नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स मैंने इस पर 1 स्पून नमक लिया हुआ है, मीडियम साइज स्पून है ये। थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे क्योंकि ये सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है।
जब हम थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियां लेते हैं दो चार तरीके की तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। अच्छे से इसको चलाइए। किन्नू आप इसमें भी डायरेक्ट डाल के पका सकते हैं, पर क्या होता है बहुत टाइम लगता है इसको पकाने में, इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। 2 से 4 सीटी 5 सीटी लगभग लग जाएगी तो ये पक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इन सब्जियों को हमने चला लिया, हम इसको ढक देंगे। अब हम इसको ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, हमने धीमी आंच पर इसको पकाना है जैसे कि हमारा अच्छे से पक जाए। हमने किनुआ चेक करना है, हमारा किनुआ कितना पका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा किनुआ पक गया है, अच्छे से रेडी है ये। हमने इसमें ज़रा सा पानी दिया हुआ था। अब हम क्या करते हैं, इस किनुआ को कढ़ाई में जो हमने सब्जियां दी हुई है ना उसमें मिक्स कर देंगे और फिर इसको ढककर फिर पकने देंगे। अभी हमने कढ़ाई से प्लेट को हटा देना, ये देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत शॉर्ट तरीके से तैयार हो जाएगा ये। वैसे आप किनुआ बनाते हो तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है बनने में, किनुआ थोड़ा लेट बन पाता है, इसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट तरीका निकाला है ये कि इसको अलग थोड़ा सीटी लगा दूंगी तो ये पक जाएगा, फिर हम इसको सब्जियों में ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स से खाने में। देखिए अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। कितना अच्छा लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, देखिए आप कितना सुंदर लग रहे हैं, सब्जियों का कलर भी कितना निखर के आ रहा है। हम क्या करेंगे, सब्जी को ढक देंगे, अब धीमी आंच पे हम इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी लगभग पक गई है, ये देखिए कितना सुंदर से तैयार हुआ है। सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए फ्रेंड्स, किनुआ जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है फूलकर, इसलिए सब्जियों की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है ये। ये देखिए ये अच्छे से गल चुका है इसलिए अच्छे से मिक्स हो गया इसमें। हमारा किनुआ पूरी अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा रेडी है किनुआ मिक्स वेजिटेबल। वेजिटेबल जितनी ज़्यादा हो सकती है आप अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। अब ना किनुआ रेडी है, अब हम इसको प्लेट में सर्व किया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये रेडी होके, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है बस खा लो इसे, इतना अच्छा टेस्ट है, देखकर इतना अच्छा लग रहा है खाने में तो ये और भी टेस्टी है। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल बटन को दबा के, और आपको पसंद आती है पूरी वीडियो देखिए मैंने कैसे बनाई है, ये बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी है। थैंक यू वेरी मच।